नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये है मेरे पास Oppo A33 फोन। ये फोन 2015 का फोन है, मतलब लॉन्च जो डेट या लॉन्च ईयर आप बोल सकते हैं 2015 था। 2016 में ये मेरा बहन ने परचेस की थी, ठीक है। इसका अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम के ऊपर ये वीडियो है। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम जो आ रहा है, इसका लास्ट अपडेट हुआ था 2018 में, ठीक है। उसके बाद से यह फ़ोन सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इस फ़ोन में। लेकिन इस फ़ोन में अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए हम कैमरा का कोई भी एक फ़ोटो, यहाँ पे हम मान लीजिए ये फ़ोटो जो है, ठीक है, ये फ़ोटो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये फ़ोटो क्या है। ये देखिए, ये फ़ोटो जो है, ठीक है, मान लीजिए ये जो फ़ोटो, ये फ़ोटो को मेरे को फ़ोन स्टोरेज में है, ये SD कार्ड में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए, जैसे ही हम फ़ोन स्टोरेज में गए और DSLR में गए और इसके बाद कैमरा, इसके बाद वो फ़ोटो को हम लोग सिलेक्ट किए और यहाँ पे किए कॉपी टू करने के बाद SD कार्ड में किए और यहाँ पे पेस्ट किए। आपको लग रहा होगा कि ये पेस्ट हो गया। चलिए देखते हैं, SD कार्ड में चलते हैं। देखिए, वो फ़ोटो पेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे दो फ़ोटो हैं, ये देखिए, ये दो फ़ोटो हैं, वो फ़ोटो नहीं आया है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसके ऊपर ही है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन, सच्चाई के साथ तकनीकी ज्ञान का विस्तार, और मैं हूं आपका दोस्त सुब्रतो। तो दोस्तों, मैं जैसा बताया हूं कि ये जो प्रॉब्लम है फ़ोन स्टोरेज से, अगर SD कार्ड में अगर आप शिफ्ट करने चाह रहे हैं कोई भी डेटा, वो आपका वर्ड फाइल हो या आपका कोई इमेज हो या PDF हो, कोई भी फाइल ये SD कार्ड में शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है इस फ़ोन में। मेरा बहन ने बताया कि ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है और अभी SD कार्ड उसका यूज़ ही नहीं हुआ है, इसलिए तो SD कार्ड पड़ा हुआ है। तो वो बोला कि SD कार्ड को यूज़ करना, क्योंकि ये मेमोरी मेरा फुल हो जा रहा है। तो हम बोले तो ठीक है, चलो इसको किया जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके पास अगर पुराना फ़ोन होगा, ये तो ओप्पो का फ़ोन है, आपके पास अगर वीवो का फ़ोन होगा, ऐसा सॉल्यूशन से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा यहाँ पे, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, मैं बैक कर लेता हूँ। ये इसका होम पेज है, ठीक है। इस पर देखिए, यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग में देखिए, ऊपर में जनरल साउंड डिस्प्ले है, जनरल टैब में रहना होगा आपको। आपको स्क्रॉल करना होगा, एकदम नीचे जाना होगा, उसके बाद मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद है आपका डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद ओप्पो का ये फीचर है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना होता है। तो यहाँ पे PTHI वेरिफिकेशन कोड है, कंटिन्यू। ये देखिए, डेवलपर ऑप्शन आपका खुल गया, ठीक है। ये डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना होगा। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन अगर आपके पास इनेबल नहीं किया हुआ है, तो भी कैसे आप इनेबल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ओप्पो में या वीवो में, पुराना जो फ़ोन होता है, वेरिफिकेशन कोड आपको डालना पड़ता है। तो वो वेरिफिकेशन कोड डालने से आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है। ये तो ऑन रखना ही होगा आपको, USB डिबगिंग, क्योंकि आपको ये नहीं ऑन रखेंगे तो आप जब लैपटॉप पे अगर बैकअप लेंगे पुराना फ़ोन का, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये USB डिबगिंग ऑन है कि नहीं, सबसे पहले आपको देखना होगा। दूसरा चीज़, आप नीचे आ जाइए एकदम, ठीक है, स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाइए। अब देखिए, यहाँ पे ऐप्स के अंदर ये एक ऑप्शन है, गौर से देखिए दोस्तों, मैं क्लोज दिखा रहा हूँ। डोंट कीप एक्टिविटीज़, यानी आपका जो काम है वो काम ये याद नहीं रखेगा। डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सून एज द यूज़र लिव्स इट, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो कॉपी कर लिए और पेस्ट जहाँ पे करना है, वो जैसे ही बंद हो गया, मतलब कॉपी जहाँ से आप किए वो तो बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप जहाँ पे पेस्ट करोगे वो पेज खुलना है, उस पेज में आप जाके पेस्ट करोगे। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन ऑन किया हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है, मैं जहाँ से कॉपी कर रहा हूँ फाइल को, वो याद किया, जैसे ही मैं वहाँ से हट गया हूँ कि मूव टू बोल के, जिस पेज में मेरे को पेस्ट करना है उस पेज में मैं जा रहा हूँ, तुरंत वो मेमोरी से वो चीज़ को हटा दे रहा है। तो इसे आपको ऑफ करना है दोस्तों। अब ऑफ हो गया, डोंट कीप एक्टिविटीज ऑफ हो गया। अब मैं बैक चलता हूं दोस्तों। देखिए,
मैं बैक चला गया, ठीक है। इसके बाद फिर से मैं जा रहा हूँ फाइल मैनेजर पे और स्टोरेज पे चलता हूँ दोस्तों। फ़ोन स्टोरेज पे आ गया, ठीक है। DCIM, उसके बाद कैमरा। अब ये फ़ोटो का बात हो रहा था, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी टू, ठीक है, SD कार्ड, और यहाँ पे मैं पेस्ट डाल दिया, ओके। और ये देखिए अभी कहाँ पे स्टोरेज SD कार्ड में है, देखिए फोटो आ गया, देखिए। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमेशा बहुत सारे लोगों से मेरे को सुनना पड़ता है कि ये इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए सर, कि ये स्टोरेज का जो प्रॉब्लम होता है हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग SD कार्ड लगाना चाहते हैं, लेकिन SD कार्ड लगाने के बाद कॉपी नहीं कर पाते हैं, फिर मेरे को दुकान जाना पड़ता है, वो लोग से भी नहीं हो पाता है, तो मेरा SD कार्ड खरीदना बेकार हो गया, घर पे पड़ा है। तो वो लोगों के लिए ये सोल्यूशन था दोस्तों, इसे आप लोग यूज़ कीजिए। आपका फ़ोन में भी ऑप्शन किसी दूसरे नाम से हो सकता है, लेकिन यही इसका तरीका है। आप या इसको ऑफ करके रख सकते हैं या तो ऑन करके रख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो आपका ये डेटा इसी तरह काम करेगा। नंबर टू, अगर ये आपका ऑफ है तो आपका ये चीज़ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब आप ऐप को भी SD कार्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये हेल्पफुल टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।